गाइस कैसे आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने लगी है। बाबर आजम की जो वालिदा है उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इस हफ्ते में और भी बड़ी अजीबोगरीब खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। NDTV जो कि एक इंडियन टीवी है, याद रखिएगा, चाइना रूलिंग पार्टी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है मीट नेक्स्ट वीक टू सेट टोन फॉर शीज लॉन्ग टर्म रूल। ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। तब भी आप जितने भी इंडियन अखबार आप देखेंगे उनके लिए ये जिंदगी और मौत की बात है। हम चाइना से जो भी बात करते हैं, ये ताइवान के बारे में, सिंकियांग के बारे में, ये हम क्लोज डोर बिहाइंड द डोर्स बात करते हैं। डिप्लोमेटिक हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इसलिए हम इस तरह की जो बातें हम बिहाइंड द डोर क्लोज द डोर हम बात करते हैं। यहाँ पर चाइना का जो लीडर है शी जिनपिंग, उनको थर्ड टाइम एक्सपेक्टेड है कि तीसरी दफा भी हम इनको दे देंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने चाइना के लिए वो काम कर दिखाया जो कि सगी औलाद भी अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकती। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि दो ऐसी इक्तदार की पार्टीज बैठी हुई PMLN और PPP, ये चाहती ही नहीं है कि ये आए। अगर इमरान खान अगले इलेक्शन में दो तही सीटें ले जाते हैं या 85-90% सीटें ले जाते हैं, उन्होंने फिर इतनी रैपिडली कानून चेंज करने के आपको समझ ही नहीं आनी। इंडिया, ये ट्रिब्यून से मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया एस्टैब्लिशिंग न्यू एजेंसी इन इंडियन ऑक्युपाइड, इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर टू टेररिज कश्मीरी। अभी मैं क्रिप्टॉक्स बनाऊंगा, उसमें मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि सबको पता है कि ये क्या किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा, खुद उसमें जा गिरे। इधर भी ये वही कर रहे, अपने लिए गड्ढा खोदी जा रहे और आहिस्ता आहिस्ता गिरते जा रहे हैं। मोदी ने क्या किया, अभी वो कश्मीर के पता नहीं कौन से टुकड़े में गया, कौन से हिस्से में गया, वहाँ पर तकरीर किया, आर्मी का मोराल बुलंद किया, पता नहीं बुंगियाँ दो चार मारियाँ, बुंगियाँ मार मुड़ के मोदी जी आपका वापस आ गया। मोदी जी ने क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ आग भड़का दी। किसके खिलाफ आग भड़काई, जो खुद कश्मीर में जाके इंडियन फौजी खुशी गार्ड है, एक ऐसा ग्रुप, क्योंकि आप मैं अगर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैं अगर एक ग्रुप को एक किसी दूसरे जगह भेजता हूँ और वो वहाँ पे जाके मुझे पता चले खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मैं वहाँ पे जाके तकरीरें कर रहा हूँ, वेल डन, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये है वो है, लकी लाना था इस बंदे के ऊपर, और फिर दुनिया के सामने दिखाते हो देखो कश्मीर कितना अच्छा, ये पाकिस्तान जैसे पागल बोलता रहता है ये। अभी पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, सारे कश्मीरी बाहर निकले तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, इंडिया ने बड़ा फटा मारा इनको, लेकिन फिर भी ये निकले हैं। अब अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव $650 मिलियन, बहुत बड़ी रकम है। मैं ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ 650 अरब डॉलर्स की थी, इन्होंने 650 मिलियन की है, तो इतना ज्यादा उतना फर्क नहीं है, लेकिन बहुत भारी, ये भी बहुत भारी डील है। अगर थे जिस तरह जो बाइडेन ने अपना वेपन बेचा था सऊदी अरेबिया को, वो तो अल्लाह माफ करे, वो तो $650 मिलियन के उन्होंने वेपन किसको बेचा है, सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया का फड्डा किससे, अपने ही मुल्क से, अपने ही एक अरबी मुल्क से, यमन, ज़्यादा गरीब मुल्क है अरबी खत्ते में, ये भी बहुत गरीब है, इराक है, ये है। सऊदी अरेबिया को इस टाइम बहुत काली हुई है कि ये क्यों हमें मार रहे हैं। शायद आपको याद हुआ था कुछ चंद साल पहले इनकी हौसी कबाइल से लड़ाई हुई थी, इतने टाइम तक चलती थी, फिर भी हार गए सऊदी। ये अरबी जहाँ जहाँ पे गए इन्होंने झंडे गाड़े हैं, ये जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं इतने, ये सारे खुरासान के तो हैं, खुरासान मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जब ये इस्लाम से मुस्तफ़ीद हुए, इन्होंने साइंस में तरक्की हासिल की, इवन अल ख्वारिज़्मी, ये तो अरबी था जिसने ये अलजबरा बनाया है। ये इंटरनेशनली खबर है और ये बहुत, मुझे तो काफ़ी अच्छी खबर ये लगी है, तो मैं इसका बता देता हूँ। रशिया कंसर्न एट दाइश एक्टिविटीज इन अफगानिस्तान, ये दाइश जो है ये अफगानिस्तान में एक दहशतगर्द रियासत है, दहशतगर्द है ये, दहशतगर्दों का ये टोला जैसे आप कह लें, ये बहुत पहले से है, इसने मिडल ईस्ट में दाइश ने बहुत खून खराब बहाया, यहूदियों को नहीं मारा, अफ्रीकन जो स्टेट्स हैं लिबिया सोमालिया, बहुत खून खराबा उसने किया, सऊदियों को नहीं मारा, सीरिया में बहुत कत्ल वारदात किया, इसराइलियों को नहीं मारा, यहूदी दाइश को फंड करते हैं यार। गिने चुने एक दो मुल्क ऐसे मुसलमानों में, एक या दो मुल्क है जो सबसे सारे मुसलमानों जितनी भी मुस्लिम रियासतें हैं उनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, एक दो इस्लामी रियासतें हैं, उसमें एक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सेंट्रल एशिया ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। तो दाइश का यहाँ पे होना ना सिर्फ रशिया, पूरी दुनिया के लिए बाइस फिक्रिया है, लम्हा फिक्रिया है। अमेरिका अफगानिस्तान को उसका हक नहीं दे रहा, दुनिया भी नहीं दे रही, मर मरा के पाकिस्तान कुछ अपना पेट काट के दोबारा से उनको खिला रहा है, चीन कुछ मदद कर लेता है, रूस कर लेता है, कब तक हम करेंगे। अमेरिका ने इतना पैसा रोका हुआ है, इतना रोका हुआ है कि अगर इसका आधा भी दे दें अफगानिस्तान स्टेबल हो जाएगा, पूरा तो नहीं होगा, काफी हद तक स्टेबल हो जाएगा। हमारी इम्मी खान ने कहा है कि अगर हमारी ये जो दो
टोला है, ये जो करप्ट टोला है जिन्होंने पैसा खाया, ये आधा की आधा जिन्होंने ये पैसा चुराया इनकी आधी रकम भी पाकिस्तानी खजाने में जमा करा दे, कीमतें आधी हो जाएंगी। ये इमरान खान ने ऐसा पत्ता खेल लिया है। अब अगर आवाम कहेगी ना कि खान साहब महंगाई बहुत हो गई, खान साहब ने क्या कहना है, मैंने तो अपोजिशन को क्या आधी कीमत दे दो, मैं कीमतें आधी कर लूँगा। अल्लाह हमें इस वक्त से बचाए, अल्लाह जल्दी से जल्दी इस गुरबत पर काबू करे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। किसी अरे गहरे को कोई गलतफहमी ना रहे, ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से।